अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ये वकीलों का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये लॉ गैट के सिलेबस में भी है, चैप्टर 12 पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एट बार काउंसिल रूल्स 1976, इसका चैप्टर 12 है, रूल 134 टू रूल 175। ये हम सारे आज करेंगे एज ब्रीफली एज पॉसिबल। सो लेट स्टार्ट जी। रूल 134, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू अपहोल्ड एट ऑल टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एज वेल एज हिज ओन डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग एज ए मेंबर देयर ऑफ। आर्टिकल 134 में सिंपल सा कह दिया गया है कि जो एक वकील है उसने हर वक्त अपने प्रोफेशन के वकार को, डिग्निटी को मलूजे खातर रखना है। उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रोफेशन पे ना बात आए, लोग ये ना कहें कि ये वकील ऐसा, तो ये वकालत का प्रोफेशन पे ही हरफ आना शुरू हो जाए। वकालत के प्रोफेशन और अपने वकार, डिग्निटी एज एन एडवोकेट, उसका ख्याल रखना है। रूल 135 है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। इसमें यह कहा गया है कि जो वकला ज़रात हैं वो एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं ले सकते, बड़े बड़े बोर्ड नहीं कहीं पे भी लगा सकते और उस पर ये लिख दें कि जी ये लिटिगेशन हम करते हैं, इसकी इतने चार्जेस हैं, इसकी इतनी फ़ीस है। सो ये एडवर्टाइजमेंट मना है। हाँ, यहाँ पर जो रूल 135 में अलाउ किया गया वो ये अलाउ किया गया कि आप विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं और उस पर आप एकेडमिक और अपने सारी डिटेल्स दे सकते हैं, एड्रेस वगैरह की, लेकिन वहाँ पे भी अपनी फीसेज वगैरह नहीं लिखनी शुरू कर देनी। रूल 135 एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड था। रूल 136, एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सॉलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई भी वकील किसी दूसरे वकील को एम्प्लॉय नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता कि एक वकील साहब ने केस लिया फिर वो आगे किसी को दे दिया कि आप ये केस करो। नॉर रेमनरेट अनदर पर्सन फॉर सॉलिसिटिंग और ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर हिम। ना ही किसी दूसरे बंदे को वो पैसे वगैरह देगा कि आप मेरे लिए केस लेके आओ। नॉर शैल ही शेयर विद एन अनलाइसेंस्ड पर्सन एनी कंपनसेशन। जो लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ये जाली वकील वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे ये भी कह दिया गया है उनसे भी पैसे वगैरह नहीं लेना कि आप मेरे से केस लाओ। उनके साथ किसी किस्म का ऐसा आपने तलक नहीं रखना, ना उनकी कोई नॉर शैल ही एड और अबेट एन अनलाइसेंस्ड पर्सन टू प्रैक्टिस लॉ और टू रिसीव कंपनसेशन देयर ऑफ। ना ही किसी ऐसे बंदे की जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी एड वगैरह नहीं करनी, उसको कहना नहीं है कि आप वकालत आप भी शुरू कर दो। ये तो आर्टिकल 136 में कहा है कि किसी दूसरे वकील से आपने केस ले के फिर उसके साथ पैसे नहीं शेयर करने और उसको ये नहीं कहना कि आप मेरे लिए केसेस वगैरह लेके, और किसी जाली वकील अनलाइसेंस पर्सन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रूल 137, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट ए सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद अ पार्टी रिप्रेजेंटेड बाई एन एडवोकेट इन द एब्सेंस और विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एडवोकेट। रूल 137 में सीधी सी बात कर दी गई है कि जो भी मुखालिफ पार्टी होती है ना, अपोजिट पार्टी होती है, उसके काउंसिल की गैर मौजूदगी में उनके साथ जो मैटर है, जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, अपने उसके केस से रिलेटेड कम्युनिकेट कोई बात नहीं करनी, उसकी एब्सेंस में भी नहीं करनी और उस वकील की कंसेंट के बगैर भी नहीं करनी। रूल 137 था ये। रूल 138, एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिंग काउंसिल कम्युनिकेट विद और आर्गू बिफोर अ जज और जुडिशियल ऑफिसर एक्सेप्ट इन ओपन कोर्ट। इसका मतलब ये है कि जब अपोजिट काउंसिल एबसेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में आपने जज साहब के साथ बातचीत नहीं शुरू कर देनी, कम्युनिकेशन नहीं शुरू कर देनी उस केस से रिलेटेड, ये उसके चैम्बर में जाके नहीं कोई बातें शुरू कर देनी। सिर्फ ओपन कोर्ट में आपको अलाउ है कि आप कर सकते हैं, वो भी अगर आपको कोर्ट अलाउ करे। दूसरी इस रूल में 130 रूल में ये बात की गई है कि जो अपोजिट काउंसिल होता है, जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है कोर्ट के साथ, तो उसकी एक कॉपी जो है वो भी अगर रिटर्न फॉर्म में है तो वो आपने कॉपी भी अपोजिट काउंसिल को प्रोवाइड लाजमी करनी है। रूल 138 में जो तीसरी बात की गई है, द रूल शैल नॉट अप्लाई टू द एक्स पार्टी मैटर्स। एक्स पार्टी मैटर्स वो होते हैं जिनमें एक पार्टी आई नहीं है दूसरी, उनमें अप्लाई नहीं होता, उनमें तो ऑब्वियसली अब दूसरी पार्टी नहीं आई, उनका वकील नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में एक्स पार्टी केसेस में आप कोर्ट के साथ, जज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो उस केस से रिलेटेड। अदरवाइज़ आपने
नहीं करना। रूल 139, ए क्लाइंट्स प्रॉफर ऑफ असिस्टेंस ऑफ एडिशनल एडवोकेट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बट द मैटर शुड बी लेफ्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट। अब इसमें 139 में पहली बात ये की गई है कि ये अगर एक क्लाइंट आपके बाद किसी और एडवोकेट को हायर करना चाहता है तो ये उसका राइट है, वो कर सकता है। आपने इस बात को पर्सनली ले लेना कि वो अब मुझे छोड़ के दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, ये हर क्लाइंट का राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का एडवोकेट वकील इंगेज कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, रूल 139 में क्या है, एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कुलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ द एडवोकेट्स फर्स्ट रिटेन्ड आर पेड। दूसरी बात, रूल 139 में ये की गई है कि जो अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है मेरे से पहले, उसी केस में उसने कोई और काउंसिल इंगेज किया हुआ है, तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं पहले उससे पूछूं, उस दूसरे एडवोकेट से, कि आपकी फ़ीस, आपके ड्यूज़ वगैरह इसने क्लियर कर दी हैं। अगर नहीं किए तो मैं उसको कह सकता हूं कि जाओ पहले उनके ड्यूज़ क्लियर करो, और अगर वो नहीं करता तो मैं उसका केस लेने से रिफ्यूज़ करना चाहिए मुझे, ये एडवोकेट की ड्यूटी है। रूल 140, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स, कि जो लिटिगेशन है वो बिटवीन द पार्टीज़ है, वो वकीलों के दरमियान नहीं है। सिंपल सी वो बात ये कह रहा है, वकीलों ने इसमें के किसी भी केस में पर्सनल नहीं हो जाना होता। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि पार्टी आपको मैनिपुलेट ना करे, आपको यूज़ ना करे दूसरी पार्टी या अपोजिट काउंसिल के अगेंस्ट, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात, रूल 140 में जो की गई है कि अगर जो अपोजिट वकील है, जो दूसरा वकील है, उसके साथ अगर आपके पर्सनल क्लैशेज हैं ना, तो उनको भी साइड पर रखना है। ये नहीं कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे की इन केस को ले कर तो फिर उस वकील साहब के ख़िलाफ़ आप शुरू हो जाओ। सो अपने पर्सनल क्लैशेज को साइड पर रखना है। रूल 141, नो डिवीजन ऑफ फीस विद एनी पर्सन फॉर लीगल सर्विसेज इज़ प्रॉपर। यानी आप जो फीसद होती हैं वकला की, वो ये नहीं कि आपने उनकी डिवीजन करनी है, आप इतने ले लो, एक ये मना है। एक्सेप्ट, लेकिन अगर यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई एसोसिएशन है, कोई वकला का आपस में एग्रीमेंट है, तो उस सूरत में वो फीस को डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ़ीस की डिवीजन नहीं करनी। 142, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू मेनटेन एंड अपहोल्ड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन अकॉर्डेंस विद द रोल ऑफ द एडवोकेट्स मेंटेन्ड बाई द बार काउंसल्स। यानी सिंपल सी बात है, जो एडवोकेट पहले एनरोल हुए हैं एज एडवोकेट, चाहे वो एक दिन पहले भी हुआ है, तो वो आपका सीनियर है, इसमें ये बताया गया, और आपने ये जहन में रखना है, सीनियर सीनियर है, चाहे वो एक दिन उसका लाइसेंस पहले है, चाहे हाई कोर्ट का है या निचला लोअर कोर्ट्स का लाइसेंस है, तो वो सीनियर गिना जाएगा जो एनरोल पहले हुआ है। 143 भी इसी से रिलेटेड है, जूनियर्स एंड यंग मेम्बर्स should always be respectful to the seniors and elder members. जो young lawyers होते हैं उनको seniors का एहतराम करना चाहिए। और ये दूसरी बात इसी में कह रही है 143 में, कि ये seniors का भी फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है कि वो young lawyers को शाइस्तगी के साथ politely उनको उनके साथ उनका बिहेवियर उनको हेल्प आउट करें। अगर कोई पूछने आपसे, कोई यंग लॉयर आ गया, तो आप उसको धुतकारें ना, जो उसको असिस्टेंस चाहिए, जो हेल्प चाहिए, वो आप उसको दें। तो ये दोनों के लिए है कि यंग लॉयर्स जो है रिस्पेक्ट करें और सीनियर्स उनको हेल्प आउट करें। रूल 144, वेयर मोर देन वन एडवोकेट्स इज़ एंगेज्ड। अब ये भी उसी से रिलेटेड है कि एक केस में अगर एक साइड से एक से ज़्यादा वकील हो गए, फॉर इंस्टेंस मैं केस में रिस्पोंडेंट साइड से हूँ, तो और अगर रिस्पोंडेंट साइड से मेरे क्लाइंट ने दो और वकील भी किए हुए, तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो ये होगा कि सीनियर ही केस को लीड करेगा। उसी ये रिस्पेक्टफुल भी होता है कि सीनियर ही लीड करे, लेकिन यहाँ पे आगे ये भी कह दिया 144 में कि अगर सीनियर चाहे, अगर वो कहे, तो फिर जो जूनियर लॉयर होगा, जो उससे जूनियर होगा, वो भी लीड कर सकता है, लेकिन अगर सीनियर कहे तो। तो ये था पहला पार्ट इस का, जो कि कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स, दूसरे वकला से आपका कैसा कंडक्ट होना चाहिए, ये यहाँ तक था 134 से 144 तक।
अब नेक्स्ट जो आ रहा है बी पार्ट, कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स, के क्लाइंट्स के साथ किसी भी एडवोकेट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए। रूल 145, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट एडवर्स टू अ क्लाइंट इन द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन द केस। अब इसका मतलब ये है कि जो एडवोकेट है ना उसके उसको ये नहीं करना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी या जो भी राइट इन्वॉल्व है उसके क्लाइंट का उसके अगेंस्ट जाके काम करे और अपना वहाँ से इंटरेस्ट निकाल ले। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि दूसरी मुखालिफ पार्टी वाले कहते हैं जी कि आप जान के केस हार जाओ तो इस प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा आपको दे देंगे, तो ये अलाउ नहीं है, ये मना है, ये नहीं करना। 146, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू ए क्लाइंट, यानी अपने क्लाइंट के एडवर्स ही नहीं, आपने दूसरी पार्टी की एम्प्लॉयमेंट में चले जाना, उनसे पैसे वगैरह ले लेना, और फॉर्मर क्लाइंट रिलेटिंग टू ए मैटर इन रेफरेंस टू विच ही हैज़ ऑब्टेंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाई रीजन्स। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने अपने क्लाइंट, बेशक वो आपके पास आया है, उसने आपको केस अगर दे दिया और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली वो शेयर हो जाती हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, तो वो ये नहीं करना कि आपने उस क्लाइंट ने अगर वो आपको छोड़ के किसी दूसरे वकील के पास चला गया तो आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दो कि इसने मुझे ये भी बताया, ये डॉक्यूमेंट इसने मुझे दिखाया था। प्लस दूसरी बात इसमें ये भी की गई है कि अगर कोई बंदा आया है आपके पास, उसने आके आपसे मशवरा लिया है, फिर वो किसी दूसरे को जाके इंगेज कर लेता है, तो यहाँ पर दो आपको फ़ीस भी नहीं दी गई, आपको प्रॉपरली इंगेज भी नहीं किया गया, इवन देन भी ये आपके कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको जो वो बात बता के गया अपने केस रिलेटेड, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर गया, वो आगे ना बताना शुरू कर दो। ये ना गुस्सा कर लो कि इसने मुझे हायर नहीं किया, मुझे दूसरे को जाके इंगेज कर लिया, तो मैं अब इसको बताता हूँ, जाके सारी उसकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाए। रूल 147, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट विदाउट फर्स्ट डिस्क्लोजिंग हिज रिलेशन इफ़ एनी विद द एडवर्स पार्टी, यानी अगर किसी वकील कोई एक क्लाइंट आता है वो उसका, लेकिन जो एडवर्स पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ वो केस करना चाहता है और आपका उसके साथ दूसरी पार्टी के साथ कोई रिलेशन है, तो पहले आपने, ये आपकी ड्यूटी है कि उस क्लाइंट को बताओ कि भाई मेरा उसके साथ ये रिलेशन है। 148, एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, यानी दोनों पार्टियों के साथ नहीं मिल जाएगा सिंपल वर्ड्स में। रूल 149, एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ और इन बेनामी परचेज एनी प्रॉपर्टी। अब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी केस में जिसमें एडवोकेट साहब हों और उसी केस में कोई प्रॉपर्टी अगर ऑक्शन हो जाए, उसकी नीलामी हो जाए, तो ये नहीं करना कि वकील साहब ने उसकी नीलामी में खुद हिस्सा लेना शुरू कर देना या अपनी जगह कोई बेनामदार उसको खड़ा करके तो बोलियाँ लगवानी है। जो एडवोकेट है वो अपने ही केस में जो किसी केस में एज़ एडवोकेट हो और कोई प्रॉपर्टी अगर नीलाम हो रही हो तो उसकी नीलामी में वो हिस्सा नहीं ले सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। दूसरी बात जो 149 में की है, नॉर शैल ही एक्सेप्ट द होल और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैड बिन इंगेज टू कंडक्ट द केस इन लियू ऑफ। दूसरी बात ये कर दी गई है कि कोई भी केस जो आपने किया उसमें जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व थी, आपने अपनी फ़ीस लेनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये नहीं आपने करना कि ये प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा मुझे दे देना या ये जो पैसे मिलेंगे इसमें से ये इतने पैसे मुझे दे देना, आप अपनी फ़ीस को अलहदा रखो, उस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने नहीं उनके साथ तय करना कुछ भी क्लाइंट के साथ। रूल 150, एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट विद हिज ओन। अब इसमें ये बात की गई है कि जो प्रॉपर्टी है क्लाइंट की उसको अपनी प्रॉपर्टी के साथ मिक्स नहीं करना, और दूसरी बात 150 में ये की गई है कि जो कुछ भी पैसे या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी क्लाइंट का मिलता है तो ये नहीं होना कि आपने उसको छुपा लेना और क्लाइंट को बताना ही नहीं है, स्ट्रेट वे आपने अगर उसके भी आप पे कोई पैसे भी विड्रॉ किए हैं तो स्ट्रेट वे क्लाइंट को बताना ही आपकी ड्यूटी है। रूल 151, एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ द केस। अब ये इसमें ये बात कर रहा है 151 में कि वकला ने ये एडवाइज़ नहीं करना कि मुकदमेबाजी करो, जो केसेस बनते नहीं हैं उनको बनवाने के लिए, या किसी के अगेंस्ट कोई ग्रज वगैरह है तो आपको नहीं जी इस पर मुकदमा कर दो, बिला वजह की लिटिगेशन के मशवरे वकला ने नहीं देने अगर सिंपल वर्ड्स में करें। 152, एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइस द वॉयलेशन ऑफ एनी लॉज। अब इसमें सिंपल सी बात ये कर दी गई है 152 में कि आपने लोगों को ये मशवरे नहीं देने कि आप कानून तोड़ो, कोई बात नहीं आपका भाई बैठा है मैं बचा लूँगा, कानून के खिलाफ काम करने के मशवरे नहीं देने। 153, इट इज़ द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू
अंडरटेक द डिफेंस ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि रूल 153 में कि अगर आपने किसी एक्यूज का केस लिया, उसमें कोई डिफेंस ले लिया, तो आपने फिर ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस डिफेंस पे कायम रहें, उस एक्यूज का केस अच्छी तरह से लड़ें, अपनी पर्सनल ओपिनियन को एक साइड पे छोड़ दें कि अंदर से अगर आपको पता है कि जी ये इसने किया है, वो रिगार्डलेस है, आप अपनी ओपिनियन पे नहीं जाएंगे, आपने जो डिफेंस लिया है वो करेंगे, वो आपका क्लाइंट है, उसने आपको केस दिया एंड दिस इज़ योर ड्यूटी टू डिफेंड हिम। 154 इन फिक्सिंग फीस। अब ये वो बता रहा है कि फ़ीस किस तरह फिक्स करनी है। इसमें जो पहली बात उन्होंने की कही है वो ये कि ओवर एस्टिमेट नहीं देना उनको, फ़ीस मुनासिब लेनी है, जायज़ लेनी है। ये नहीं कि आपको लगता है कि क्लाइंट बड़ा अमीर है तो चलो एक हरासमेंट के केस का भी उसको को 2 लाख दे दो, तो ये फ़ीस रीज़नेबल होनी चाहिए। दूसरी बात कही है द रीज़नेबल रिक्वेस्ट ऑफ ए ब्रदर एडवोकेट शुड ऑल्सो रिसीव स्पेशल एंड काइंड कंसिड्रेशन। कि अगर किसी साथी वकील ने कह दिया, किसी दूसरे वकील ने कह दिया कि यार फीस कुछ काम वगैरह कर लो, तो आपने उनका ख्याल रखना, वकील को रिस्पेक्ट देनी है। इन थर्ड वन इसमें रूल 154 में इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज़ एंड ऑर्फन्स ऑफ एन एडवोकेट, यानी अगर वकील किसी दूसरे वकील का कोई यतीम बच्चा बच्ची है या उसकी कोई बेवा है तो उनका केसेस आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने हैं। प्लस इसमें रूल 154 में आगे बताया भी गया है कि आपने ये पैरामीटर्स कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि फ़ीस को डिटरमिन कैसे करना है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि ओवर एस्टिमेट नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बहुत कम नहीं करनी, अंडर वैल्यू भी आपने नहीं करना कि बहुत थोड़े थोड़े पैसों में केस करो, नहीं, अपनी एक डिग्निटी का ख्याल रखना है। अब आगे ये जो गाइडलाइंस दी हैं कि टाइम एंड लेबर आपने देखना है कि मेरा कितना वक्त लगेगा, मेरी कितनी मेहनत लगेगी, उस लिहाज से आप फीस, ये सिर्फ सिंपल गाइडलाइंस दी हुई हैं। दूसरी बात उन्होंने की है कि इस केस को अगर मैं लेता हूँ, ये बहुत बड़ा केस है, तो दूसरे केसेस मेरे कितना इफ़ेक्ट होंगे इससे। फिर इसमें ये भी देख सकते हैं कि कस्टमरी चार्जेस के बार में बाकी केसेस में इतने, अगर इस किस्म के और केसेस जो हैं वो बार में दूसरे वकला कितने फ़ीस लेते हैं, तो ये भी आप बात को कंसिडर करेंगे। फिर कितनी अमाउंट इन्वॉल्व्ड है केस में, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगी तो डिपेंड करता है। सो ये सिंपल सी 154 में गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। बहरहाल फ़ीस ना बहुत ज़्यादा लेनी है ना बहुत कम लेनी है। नेक्स्ट वन रूल 155 कॉन्ट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स कंसर्निंग कंपनसेशन आर्ट। अब इसमें ये रूल 155 में ये बता दिया गया है कि अगर किसी क्लाइंट ने आपको फ़ीस आप पहले तय कर लें, पहले ले लें उससे, अगर ये अच्छा नहीं लगता कि बाद में फिर आप ना उसी क्लाइंट पे खुद सिविल सूट फाइल कर दें कि इसने जी मेरी फ़ीस नहीं दी, ये आपकी डिग्निटी आपकी शान के ख़िलाफ़ है। तो 155 में कहा है कि इस किस्म के मुकदमे नहीं करने। रूल 156 अब इसमें बेसिकली वो ये कह रहा है दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू डू वट एवर मे इनेबल हिम टू सक्सीड इन विनिंग हिज क्लाइंट्स कॉज, यानी अपने क्लाइंट की का केस जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, डिवोशन के साथ काम करना चाहिए, ये इसमें 156 में मेनली कहा गया। 157 रूल 157 में व्हेन एन एडवोकेट इज़ अ विटनेस फॉर हिज क्लाइंट्स, अगर किसी क्लाइंट ने खुद ही वकील साहब को एज ए गवाह बुला लिया, तो इसमें यह बताया गया कि वकील साहब को चाहिए कि खुद वो केस फिर छोड़ दें, किसी और को अपनी जगह पे इंगेज करवा दें, पहली बात। और दूसरी बात ये कोशिश करनी चाहिए कि एडवोकेट एज विटनेस ना आए, लेकिन अगर एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी हो उस वकील साहब का एज ए विटनेस आना तो फिर ही आए, अदरवाइज इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए क्लाइंट के लिए एज ए विटनेस। 158 रूल 158 में बेसिकली ये कहा गया है कि अगर कोई इंसिडेंटल मैटर हो ना कोई, और दूसरा वकील साहब प्रेजेंट ना हो, उनको कोई मुसीबत हो, किसी वजह से वो ना आ सक रहे हो, तो आपने ये जोर नहीं देना कि जी आज ही करो, ये आज ही ट्रायल को आगे ले, जबकि ट्रायल आगे भी हो सकता है। आज अगर एडजमेंट मिल भी गई तो आपके क्लाइंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा, ट्रायल को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फोर्स नहीं करना कि जी आज ही हमने करना है। अगर वकील साहब दूसरे किसी वजह से नहीं आ सक रहे तो फोर्स नहीं करना, अगर आपके क्लाइंट को नुकसान भी नहीं हो रहा तो। रूल 159 इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टुवर्ड्स द कोर्ट अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। अब यहाँ पे रूल 159 में बेसिकली ये बताया गया कि आपका एक एडवोकेट का कोर्ट के साथ एटीट्यूड हमेशा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोर्ट के साथ कोई
इख्तलाफ है तो इवन देन आप उनके साथ रूड नहीं हो सकते, आपने उनकी उनको उनको बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी शुरू कर देनी, वो जैसे आजकल कई दफ़ा कोर्ट्स में हो जाता है मार कुटाई, वो नहीं करनी। अगर आपको कोई जज साहब के साथ ग्रीवेंस है तो आप उसका लीगल प्रॉपर वे जो बताया गया उसको अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन आपने जज साहब के साथ ना कोर्ट के साथ ना बेसिकली रिस्पेक्टफुल ही रहना है ऑल द टाइम, चाहे आपको कोई भी उनसे इख्तलाफ हो। रूल 160, एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइस अ पर्सन हुज टेस्टिमनी कुड एस्टैब्लिश और लैंड और टेंड टू एस्टैब्लिश ए मटीरियल फैक्ट टू अवॉइड सर्विस ऑफ प्रोसेस और कंसील हिमसेल्फ। अब यहाँ पे ये 160 में ये बता दिया गया कि कोर्ट की तरफ से अगर किसी को समन वगैरह आ गए कि आप आके पेश हो, तो वकील साहब ने ये मशवरा नहीं देना शुरू कर देना कि नहीं जी अभी जाने दो, ज़रा लिंगर ऑन होने दो, मसले को चलने दो, ज़रा उसके पैसे लगने दो, एक्स पार्टी होएगा, हम एप्लीकेशन दे कर रिस्टोर करवा लेंगे। सो इस किस्म के मशवरे नहीं देने। बेसिकली ये जो समन्स वगैरह भेज रही है, नोटिस भेज रही है, ये कोर्ट ही भेज रही है, और अगर आप उसको इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। बेसिकली कोर्ट के प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश आपने नहीं करनी। 161, एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिस कोर्ट टू अ जज, यानी मिस कोर्ट नहीं करना। हमने कोर्ट बेसिकली वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जो एडवोकेट्स होते हैं ना, हमारी ड्यूटी ये होती है कि हमने कोर्ट्स को रियल फैक्ट्स बताने हैं, बातें कंसील नहीं करनी, सप्रेस नहीं करनी, झूठ नहीं बोलने, मिस कोर्ट नहीं करना। अब यहाँ पे सीधी से उन्होंने कह दिया कि आपने मिस कोर्ट नहीं करना, कि किसी गवाह ने कोई गवाही दी है तो उसको मिस कोर्ट नहीं करना, अपोजिंग एडवोकेट के आर्गुमेंट्स को मिस कोर्ट नहीं करना, किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को मिस कोर्ट नहीं करना, किसी लैंग्वेज ऑफ बुक को मिस कोर्ट, यानी सिंपल वर्ड्स में 161 रूल में बता दिया गया आपने कोर्ट को साथ मिस कोर्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना कोर्ट के आगे। रूल 162, मार्क्ड अटेंशन एंड अनयूजुअल हॉस्पिटैलिटी, यानी किसी जज साहब के साथ, जज के पास आपका केस है, आप उसको दावतों पे नहीं बुलाओगे, हॉस्पिटैलिटी ये आ जाती है, उनके साथ प्राइवेटली कम्युनिकेट नहीं करोगे अपने केस से रिलेटेड, सो 162 में ये बातें मना है। 163, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट एंगेज इन अ पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज नॉट टू कन्विक्ट बट टू सी दैट जस्टिस इज डन, द सप्रेशन ऑफ फैक्ट एंड द कंसीलिंग ऑफ विटनेसेस। अब इसमें रूल 163 में ये बताया गया कि अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से इंगेज हो गए तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मुलज़म को फांसी दिलवानी है, उसके लिए आप झूठ बोल रहे हो, फैक्ट्स को छुपा रहे हो, गवाहों को छुपा रहे हो, जिनसे अगर वो गवाह आ जाते तो वो इनोसेंट डिक्लेयर हो जाना था, उसने बच जाना था, तो इस किस्म के काम नहीं करने आपने। हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, एडवोकेट्स जो होते हैं, हमारा काम ये नहीं होता कि हम झूठ बोल लें कोर्ट में, हमारा काम ये होता है हमने कोर्ट को असिस्ट करना है, उसके लिए झूठ नहीं हमने बोलना। 164, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर बाई एन एडवोकेट एज टू पेंडिंग एंड एंटिसपेटिंग लिटिगेशन मे इंटरफेयर विद द ट्रायल। अब यहाँ पे 164 में ये कह दिया गया कि जो कोई अगर पेंडिंग केस है, सब जूडिस है, उस पर अभी फैसला नहीं आया, उससे रिलेटेड आपने कोई पब्लिकेशन नहीं कर देनी, स्टेटमेंट्स नहीं देनी शुरू कर देनी, ये प्रोहिबिटेड है, बिकॉज वो मैटर तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। जब मैटर वो डिसाइड हो जाता है, जजमेंट आ जाती है, तो उस जजमेंट पे आप कमेंट कर सकते हो, उसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप भी वो केस पेंडिंग है और आप बैठ के जिस तरह आजकल टीवी पे बैठ के लगे होते हैं अपने कमेंट्स, उससे केस इफेक्ट होता है, तो ये नहीं करना जो पेंडिंग केस है उनसे रिलेटेड। 165, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट्स एंडीवर टू प्रिवेंट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस फ्रॉम आउटवेइंग जुडिशियल फिटनेस इन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ जजेस। यानी ये वकला का यहाँ पे 165 में ये कह दिया है, उनकी ड्यूटी है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाती है ना, कि जी इसको जज बनवाओ, इसको जज बनवाओ, इस किस्म की जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके अपॉइंटमेंट्स करवाई जाती है ना, उनको रोकना है। ये हर वकील की ड्यूटी है कि जजेस जो हैं वो ऑन मेरिट पे आएँ। बेसिकली ये कह रहा है कि पॉलिटिकल जोन सी कंसिडरेशंस है ना, उनको रोकना है आपने। रूल 166, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टू अपीयर इन कोर्ट्स व्हेन द मैटर इज़ कॉल्ड एंड इफ़, तो ये भी ड्यूटी है कि जब केस कॉल हो तो आपने कोर्ट में जाना है, अगर आप नहीं जा सकते तो अपनी जगह किसी अल्टरनेट किसी को बता के कोर्ट को कन्वे करना है कि आप नहीं आ सकते, ये नहीं कि घर ही बैठ के आप कही जाओ।
तो अपीयर होना है कोर्ट के सामने, ये कोर्ट के साथ आपका रिलेशन है बेसिकली, आप कोर्ट को इज्जत देते हो, आपका केस लगा है, आप नहीं जा सकते, किसी और वकील साहब को आप क्या अपनी जगह पे भेज सकते हो। रूल 167, एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग एनी आर्गूमेंट्स इन केस इन विच। अब इसमें रूल 167 में ये कह दिया गया कि जिस केस में आपको एज एडवोकेट एंगेज नहीं किया तो आपने अपने वॉलंटेरीली जाके उसमें आर्गूमेंट्स नहीं देने शुरू कर देने या अपनी ओपिनियन नहीं देनी शुरू कर देनी। कई दफ़ा हम इसको अगर कोर्ट में केस चल रहा है, फॉर इंस्टेंस मैं कोर्ट में बैठा हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात मुझे पता है, तो मैं उठ के जाके खुद ही वॉलंटेरीली मैंने बताना नहीं शुरू कर देना, जो इंगेज किए हुए काउंसल हैं वो खुद करेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट आपको खुद कहे कि जी आपकी इसके बारे में क्या राय है, तो फिर मैं अपनी राय दूंगा, लेकिन वो राय न्यूट्रल राय होनी चाहिए, बायस्ड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। फैक्ट्स लॉ अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैंने ये नहीं देखना ये इसको फेवर करेगा इसको फेवर करेगा। कोर्ट ने अपनी असिस्टेंट के लिए असिस्टेंस के लिए मुझे अगर मेरी ओपिनियन ले लिया तो वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जी लास्ट पार्ट शुरू हो जाता है, कंडक्ट विद रिगार्ड टू पब्लिक जनरली, कि पब्लिक जनरल पब्लिक के साथ कैसा कंडक्ट होना चाहिए एक एडवोकेट का। रूल 168, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड अ केस आउट ऑफ स्पाइट और फॉर द पर्पज ऑफ हरासिंग एनीवन और डिलेइंग एनी मैटर। यानी कि आपके पास कोई केस अगर इस किस्म का लेके आए कि जिससे वो ये कहे कि जी इस मैटर को लिंगर ऑन करना है, इसको लंबा खींचना है केस को, या किसी को हरास करने के लिए ये केस करना है, तो उसको लेने से आपने इनकार कर देना है। 169, एन एडवोकेट शुड ऑलवेज ट्रीट एडवर्स विटनेसेस एंड पार्टीज विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो एडवर्स, इस रूल में ये बताया गया कि जो एडवर्स पार्टी है, जो आपकी मुखालिफ पार्टी है, उसको उसके गवाहों को फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, आपके वो मुखालिफ केस में अगर पार्टी हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आप उनके साथ एटीट्यूड आपका बुरा हो, या आपको क्लाइंट कह रहा है कि जी आज इनके साथ ना आपने इनको ज़रा रगड़ा देना है, इस किस्म के काम नहीं करने हैं। वो भी इंसान है, आपके मुखालिफ पार्टी हैं, तो फिर क्या हो गया, उनको इस किस्म का एटीट्यूड उनके साथ अच्छा होना चाहिए। 169 में ये कह दिया गया। रूल 170, एन एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन टू कंडक्ट अ सिविल कॉज और टू मेक अ डिफेंस व्हेन कन्विंस्ड दैट इट इज़ इंटेंटेड मेयरली टू हरास और टू इंजर द अपोजिट पार्टी और टू वर्क एनी ऑपरेशन और रॉन्ग। यानी आपने वो केस लेने से सिंपली 170 में कह दिया इनकार कर देना है, जो आपको पता हो कि ये किसी को हरास करने के लिए किया जा रहा है, दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बिला वजह की लिटिगेशन है, उनको दूसरे लोगों को तंग करने के लिए किया जा रहा है, सो इस किस्म के केस आपने लेने से इनकार कर। रूल 171, इसमें सिंपल ये कह दिया गया कि ये किसी भी वकील का, किसी एडवोकेट का राइट है, वो किसी केस को ले ना ले ये उसकी मर्ज़ी है, उसको फोर्स करके नहीं करवाया जा सकता, ये आपका राइट है कि आप किसी केस को लें या ना लें। रूल 172, रूल 172 में सिंपली ये कहा गया कि कोई भी एडवोकेट है वो अपनी सर्विसेज और एडवाइस इसलिए नहीं देगा कि आप डिसलॉयल्टी टू द लॉ, यानी कानून के खिलाफ काम करने के लिए इस किस्म की वो एडवाइसेज वगैरह नहीं देगा। 73, एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट विद नॉर अपीयर बिफोर अ पब्लिक ऑफिसर बोर्ड कमेटी और बॉडी इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब इसमें यह कह दिया गया है रूल 173 में कि कोई भी एडवोकेट जब किसी पब्लिक ऑफिसर, किसी बोर्ड, किसी कमेटी के सामने आपने जाना है, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में जाना है, तो पहले जाके आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि मैं वकील हूँ, मैं इस वजह से आया हूँ। पहले कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले अपना तारुफ कराना, ताकि उसको भी पता हो कि एडवोकेट साहब आए हैं, ये ना हो कि वो कोई ऐसी बात कर दें फिर आप बाद में कहें कि जी मेरी इसने तजहीक की है। सो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है वहाँ पे। रूल 174, एन एडवोकेट शुड नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट एज एन एडवोकेट इन एनी मैटर अपॉन द मेरिट्स ऑफ विच ही हैज़ प्रीवियसली एक्टेड इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो पहले कोई जज रहा हो, फिर वो रिटायर हो गया है या उसने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद वो एज एन एडवोकेट आ गया, तो उसने वो केस नहीं ले लेना जिसमें पहले वो एज ए जज उसने उस केस को सुना हो। 174 में जो दूसरी बात की गई है, एन एडवोकेट हैविंग वंस हेल्ड पब्लिक ऑफिस और हैविंग बीन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट शुड नॉट आफ्टर हिज रिटायरमेंट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन कनेक्शन विद एनी मैटर विच ही हैज़ इन्वेस्टिगेटेड और
डेल्ट विद वाइल इन सच ऑफिस नॉर एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टेंस। अब इसमें दूसरी बात ये कर दी है, पहली बात उन्होंने ये करनी कि अगर कोई जज था तो वो रिटायर हो गया, रिज़ाइन कर दिया तो वो नहीं केस ले सकता। दूसरी बात कि आपने कोई आपके पास कोई ऑफिस था, ऐसा पब्लिक ऑफिस था और आपने उस केस में पहले कोई इन्वेस्टिगेशन कोई इंक्वायरी वगैरह की है, फिर आपने वो अगर आपकी जॉब ख़त्म हो गई है और आप एज एन एडवोकेट फिर जाएंगे तो उस केस में आपने नहीं जाना जिसमें आपने वो पहले इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर ली हो। 174A ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो एडवोकेट विल यूज़ हिज प्रीवियस डेजिग्नेशंस और पोस्ट सच एज रिटायर्ड जज, एक्स जज, रिटायर्ड जनरल, एक्स अटॉर्नी जनरल। अब ये अपने जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं वकला के, नेम प्लेट्स, लेटर हेड्स, इन पे आपने जो प्रीवियस ये जो आपकी पोस्ट आपके पास रही है उनको आपने नहीं लिखना, एक्स अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जनरल, ये अक्सर हम देखते हैं तो ये मना है 174A के तहत, ये अमेंडमेंट की गई है। 174B, नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस। और अब ये उन्होंने कह दिया है 174B भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वकला हजरात ने अपने बोर्ड लगाने होते हैं ना वो 1.5x2 से बड़े नहीं होने चाहिए। ये जो बड़े बड़े वकला ने बोर्ड लगाए होते हैं ना ये मना है, इस 174B की ये वॉयलेशन है, 1.5x2 इस पैमाइश से बड़े बोर्ड नहीं लगाने। 175, नंबर 1, एन एडवोकेट शैल नॉट जॉइन और कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस, वोकेशन। अब ये कोई वकला जो है ना वो किसी किस्म का बिजनेस, कोई अदर प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, सर्विसेज, हाँ गवर्नमेंट की जो सर्विसेज करती हैं उनकी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये इस क्रम का कोई और बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते। 175 का Rule 2, एनी वायलेशन ऑफ सब रूल 1 बाई एन एडवोकेट शेल इंटेल कॉन्सिक्वेंसेज एज प्रोवाइडेड इन Rule 108। अब ये वो कह दिया है Sub Clause 2 में कि अगर कोई वकील साहब ने कोई दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन किया हुआ है, कोई उनका बिजनेस चल रहा है, कोई सर्विसेज है, कोई इस किस्म का काम कर रहे हैं जो Rule 1 में कह दिया गया था 175 के, तो उसकी अगर वो वायलेशन कर रहे हैं तो फिर उनको कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उनका लाइसेंस वगैरह मनसूख हो सकता है। 175A, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, 175A और B इसमें एडिशन की गई हैं। 175A कहता है नॉन ऑब्जर्वेंस और वायलेशन ऑफ द कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स मेंशनड इन दिस चैप्टर बाय एन एडवोकेट शैल बी डीम्ड टू बी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेकिंग हिम लाइबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। यानी कोई भी एडवोकेट अगर वायलेशन करता है इस 12 चैप्टर 12 में जो बातें की गई हैं उनकी, तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया जा सकता है। 175B, नॉन ऑब्जर्वेंस एंड डिफाइंस ऑफ डिसीजंस इंस्ट्रक्शंस ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल बाय एनी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन और एनी मेंबर ऑफ द बार एडवोकेट शैल बी डीम्ड टू बी अ ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। 175B में कह दिया कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल की इंस्ट्रक्शंस होंगी, अगर उनको कोई बार काउंसिल वायलेट कर रही है, कोई स्पेसिफिक बार कर रही है, कोई एडवोकेट, कोई मेंबर ऑफ द बार कर रहा है, तो उसको ग्रॉस मिसकंडक्ट समझा जाएगा, ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट समझा जाएगा। ये 175B में कहा गया था। तो ये थे जी प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट। ये हर यंग लॉयर को, हर वकील को इनके बारे में पता होना चाहिए। आई होप ये आज का लेक्चर आपको अपने लॉ गेट के टेस्ट में हेल्प आउट करेगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।